एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। ये है पापड़ पीस जो अच्छी तरह से साफ करके धो के रखी हूँ। इस पे नमक और हल्दी लगा के फ्राई करना है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल को गरम कर लेना होगा, सरसों का तेल। उसके बाद मछली को अच्छी तरह से फ्राई करके देन जो ऑयल बचे रहेंगे उसी में मैं कालोंजी फ्राई कर उसमें तड़का लगा दिए। देन इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर कट करके रखे थे उसको भी इसमें फ्राई कर लिए। हल्का सा जैसे ही फ्राई हो जाएगा गैस को धीमी आंच करने के बाद टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देना है। एक बड़े टमाटर इसमें मैं ऐड की हूँ। टमाटर जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा, ऑयल छोड़ने लगेगा, तब इसमें कुछ ड्राई मसाला जो है ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैं सरसों पोस्तो हरा मिर्च और नमक डाल के पेस्ट बना ली हूँ, वो पेस्ट यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। सारे मसाले के साथ इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिला लेना होगा। दिन 2 से 3 मिनट इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेना होगा धीमी आंच पे। जैसे ऑयल छोड़ने लगेगा तो हल्का गुनगुना गरम पानी इसमें ऐड करना होगा। आप इस ग्रेवी को जिस हिसाब से गाढ़ा और पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से। मैं मेरे यहाँ पे जो पानी यहाँ पे ऐड की हूँ, 1.5 कप पानी जो है वो ऐड की हूँ, हल्का गुनगुना गरम। ग्रेवी जैसे बॉयल होने लगेगा तब इसमें फ्राई किए हुए मछली को ऐड कर दूंगी और मछली ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें और नमक और हरी मिर्च ऐड करूंगी। जैसे ही बॉयल होने लगेगा अंत में मैं कोरिएंडर लीफ को कट करके रखी हूँ वो इसमें ऐड कर दूंगी, तो रेसिपी रेडी हो जाएगा। अभी गरम गरम मैं प्लेन राइस के साथ इसको सर्व करूंगी। रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट पर, और फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे।